आज हम बात करेंगे द गर्ल विथ ऑल द गिफ्ट्स मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका स्वागत है। मूवी में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कीजिए। हेलन यहाँ पर एक पर्टिकुलर हंग्री हाइब्रिड के साथ में, जिसका नाम होता है मेलनी, जिसके पास गजब की सोच और IQ थी। अब यहाँ पर इन सभी को पढ़ाते टाइम हेलन उनको एक पंडोरा और उसके बॉक्स की कहानी सुनाती है कि उस बॉक्स के खुलते ही उसमें कई सारे टीवी चीजें ऑनलाइन हो गई थी, लेकिन अंत में एक चीज बची जिससे सारी में शक्तियाँ से लड़ने में मदद मिलती है और पंडोरा नेहो को भी आजाद कर दिया था। अब यहाँ पर इन सभी का रोज का ये रूटीन था कि मॉर्निंग में उठते ही हंगरी को व्हील चेयर पर बांध दिया जाता था, उनको पढ़ाने के लिए बाहर ले जाया जाता था और फिर वापस ही उनको प्रिजन में बंद कर दिया जाता था। इस बीच हम ये भी देख पाते हैं कि मेलनी को कैक्टस और जंगल से काफी ज्यादा प्यार था क्योंकि उसके पास उनकी कुछ फोटोज थी। खैर, एक दिन मेलनी एक कहानी हेलन को सुनाती है कि एक यंग लड़की ने एक औरत को एक मॉन्स्टर से बचाया और फिर वो दोनों हमेशा से साथ में रहे, जो कि हेलन और उसके रिलेशनशिप की तरह इशारा करता था। हेलन ये कहानी सुनाकर इमोशनल हो जाती है और सीधा जाकर महिला के सर पर हाथ फेरने लगती है, जिससे साजन एडी पाकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और हेलन को जाकर रोक देते हैं। अब हम यहाँ पर बड़ी चीजें जानते हैं कि इन सभी हाइब्रिड बच्चों को छूना मना था और ये एक प्रोटोकॉल था जिसको हेलन ने तोड़ा था। बाकी सब अपने हाथ से मास्किंग जेल को हटाता है और एक हाइब्रिड बच्चे के सामने अपना हाथ रख देता है, जिससे उस बच्ची और बाकी सभी बच्चों के अंदर जो हंगरी पैरासाइट था वो इंसानों फ्लैश के लिए जागने लगता है, जिसको देखकर वो बहुत ही डर जाती है। तो यहाँ पर इंसान एक मास्किंग जेल लगा कर रखा करते थे ताकि हंगरी के साल में वो ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाए, लेकिन इस मास्किंग जेल का भी एक ड्रॉबैक था जिसके बारे में हम मूवी प्रोग्रेस होते होते बात करेंगे। ये सब देखकर वो भी काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो अच्छी तो थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अंदर से इन हंगरी की ही हाइब्रिड थी जो कि इंसानी मांस भी खा सकती थी। अब जब हेलन उस तरफ आती है तो वो ये देखती है कि मेलनी व्हीलचेयर पर ही बंधा हुआ है, तो वो प्रिजन का गेट खोलकर उसको आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन सामान्य व्हीलचेयर के स्ट्रैप थोड़े से लूज थे और हेलन की खुशबू से मेलनी के अंदर का हंगरी बाहर आने लगता है, जिससे मेलनी उसको वहां से बाहर जाने को बोलती है और वो मरते मरते बचती है। मेलनी अपने अंदर के पैरासाइट को कंट्रोल भी करने की कोशिश करती है जस्ट इम्प्रेस हेलन, क्योंकि वो उसको बहुत ज्यादा मानती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। हेलन वहां से बाहर भी आ जाती है लेकिन वो अपना हाइडिंग लोशन या फिर जेल वहीं पर छोड़ जाती है। इसको कुछ देर के बाद आकर डॉक्टर कैरोलिन देख लेती है और मेलनी से सच बताने को कहती है क्योंकि अगर वो झूठ बोलेगी तो पकड़ी जाएगी उस जगह जेस्पर स्पेसिफिक कोड से कि वो सेक्यूलेट हुआ है, जिसके चलते मेलनी उसको बता देती है। अब हम ये देखते हैं कि डॉक्टर कैरोलिन एक एंटीडोट बनाने के लिए रिसर्च कर रही थी और इन बच्चों पर वो एक्सपेरिमेंट किया करती थी। वो मेलनी को कुछ राइटर्स और पजल्स भी दिया करती थी जिनका वो अपने हाई IQ की मदद से बड़े ही आसानी से सुलझा दिया करती। अब एक दिन डॉक्टर कैरोलिन मेलनी से एक नंबर चूज करने को बोलती है बिटवीन 1 to 20, तो मैंने नंबर 13 को चुनती है, जिसके चलते अगली सुबह नंबर 13 प्रिजन में रह रहा हाइब्रिड बच्चा गायब हो जाता है और मेलनी समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब अगले दिन फिर से वह मेल से एक नंबर चुनने को कहती है तो वह नंबर 4 को चुनती है जो कि उसके खुद के प्रिजन का नंबर था। सार्जन सब उसको एक जगह पर ले जाते हैं जो कि डॉक्टर कैरोलिन की लैब थी, जहां पर मेलनी ये देखती है कि उस 30 नंबर प्रिजन वाले हाइब्रिड बच्चे का दिमाग रखा गया था जिसके अंदर कुछ फंगस जैसा था, जिससे मेलनी समझ जाती है कि उस बच्ची को एक्सपेरिमेंट के चलते मार दिया गया है। और यहाँ पर टोटल 20 हंगरी हाइब्रिड बच्चे थे। मेलनी को भी टेबल पर बांध दिया जाता है और उसको एक नीम का इंजेक्शन भी दिया जाता है ताकि उस पर भी एक्सपेरिमेंट किया जा सके। यहाँ पर वैक्सीन बनाने के लिए मेलनी के ब्रेन और स्पाइनल कॉलम की जरूरत थी। अब यहाँ पर नीम का इंजेक्शन काम नहीं करता क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया इनहैबिट्स की एबिलिटीज नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा थी, तो अब उसको दूसरा इंजेक्शन देने ही वाले थे कि तभी वहां पर हेलेन आ जाती है और डॉक्टर कैलोनी को मारने की धमकी देती है, लेकिन वो उसको ट्रैक करके सोल्जर से उसको पकड़ लेती है और फिर से एक्सपेरिमेंट शुरू करने ही वाली होती है। तभी इस मिलिट्री बेस पर बहुत सारे फोर्स जनरेशन हंगरी से हमला कर देते हैं, जिसके चलते डॉक्टर की असिस्टेंट हंगरी में कन्वर्ट हो जाती है और हंगरी इसको मारते टाइम डॉक्टर कैरोलिन के हाथ में एक सीजर लग जाती है, जिससे उसको एक अजीब सी इन्फेक्शन हो जाती है। वो किसी तरह से खुद को एक रूम के अंदर बंद कर लेती है। मेलनी अब किसी तरह सेवाओं से बाहर निकलकर भागती है और कोई भी हंगरी उसको नहीं मारता क्योंकि वो उसको अपने जैसा ही समझ रहे थे। और इसी बीच हेलन को दो सोल्जर्स अपने साथ ले जा रहे थे और उस पर अत्याचार कर रहे थे, जिसके चलते मेलनी गुस्से में आ जाती है और उन दोनों को काट कर जान से मार देती है, जिसके चलते वो पहली बार ह्यूमन फ्लैश को जा सकती है, जिससे उसके शरीर में पहले थोड़ी सी अनकॉन्शियसनेस आने लगती है, मेट्रो बन जाती है। अब हेलन उसको अपने साथ लेकर जा ही रही थी कि तभी बहुत सारे हंगरी उनकी तरफ आने लगते हैं, बट सार्जेंट पास एक बड़ी ही लोडेड बैग लेकर अपने साथ में आकर उनको बचा लेते हैं और वो उनके साथ वहां से बाहर की तरफ भाग जाते हैं। अब एक जगह पर पहुंचकर सार्जेंट पार्क्स, किरण और डिलन मेलनी को जान से मार देना चाहते थे, लेकिन हेलन उसको बचाती है और डॉक्टर कैरोलिन भी अपनी रिसर्च के लिए उसको बचाने को बोलती है। मेलनी को भी मास्क पहनाया जाता है, उसके हाथ बांध दिए जाते हैं और उसको इस गाड़ी के टॉप पर एक चेयर पर बांध कर रख दिया जाता है ताकि वो किसी को भी कुछ ना कर पाए। ये सभी जगह पर पानी पीने के लिए रुकते हैं
लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे हंगरी आ जाते हैं, जिसके चलते डीलन को एक हंगरी काट लेते हैं और पार्क्स को उसको शूट करना पड़ता है। सालों बाद जब डॉक्टर कैरोलिन से ये पूछता है कि ये हंगरी ग्रुप में ही क्यों आते हैं, जिसके चलते मेलोनी ये बोलती है कि शायद ये सब अकेले होंगे, इसलिए ये सब अब लंदन की तरफ पैदल पैदल जाने का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारा खाना हो सकता है। उनकी गाड़ी भी खराब हो गई थी। ये ठिकाना ढूंढ कर बीकन में संपर्क करना चाहते थे, जो कि एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस था। लंदन पहुंचकर ये सब देखते हैं कि वहाँ पर तो बहुत सारे हंगरी इस इनएक्टिव स्टेट में खड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ह्यूमन नहीं था और बिना ह्यूमन के प्रेजेंस के ये सब इनएक्टिव हो जाते हैं। ये सब इनविजिबल जेल लगाकर उनके बीच से जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस जेल से ये ऑलमोस्ट इनविजिबल हो सकते थे। तो ये सब उनके बीच से होते हुए एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, जिस बीच उनको कई सारे हंगरी को भी मनाना पड़ता है। अब अंदर पहुंचकर महिला ने डॉक्टर से अपने बारे में पूछती है, तो वो ये बताती है कि ये सब प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर से बाहर आए थे, यानी कि जब कुछ लेडीज प्रेग्नेंट थी तो उनके अंदर से जो फंगस का असर हुआ था, जिसके चलते एम्ब्रियो पर भी फर्क पड़ा था, और ये हाई बीम अपनी माँ के अंदर के सारे ऑर्गन्स खाकर बाहर आ गए थे, जिसके चलते इनके अंदर ह्यूमन और हंगरी दोनों के फीचर्स है, लेकिन ज्यादा पावरफुल मात्रा में लाइट हायर स्पीड पावर एंड इंटेलिजेंस। अब यहाँ पर हेलन को इस बिल्डिंग में एक हंगरी मिलता है, जो कि भूख के कारण से खुद का ही हाथ खा रहा था, जिसको वो मार देती है और इस बिल्डिंग को सोने के लिए एसिल बना देती है। खरे हेलन मेलनी के पास जाती है और उसको कुछ नए कपड़े देती है, जिनको देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, बट वो उसके लिए कुछ खाने के लिए नहीं ला पाती थी, जिसके चलते वो उससे माफी मांगती है, बट वो उसको ये भरोसा दिलाती है कि कल वो उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर खाने को लाएगी। दोस्तों, और हम ये जान पाए कि फोर जनरेशन जो हंगरी होते हैं, उनके अंदर ये पैरासाइट एंटर करते ही उनके दिमाग पर काबू कर लेता है और उनको पागल बना देता है, जिससे वो सेंस खो देते हैं और फ्लैश राइटिंग माइंडलेस क्रीचर बन जाते हैं। ह्यूमन से उनको काफी प्यार है और उनकी सेंड पावर काफी ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन सेकंड जनरेशन जो हंगरी होते हैं वो बिल्कुल इंसानों जैसे ही दिखते हैं और उनको ब्रेन किया जा सकता है जस्ट लाइक नॉर्मल ह्यूमन, लेकिन अगर उनको भी ह्यूमन की साइड मिली तो वो भी उनका शिकार करते हैं, क्योंकि ये पैरासाइट बढ़ती गोबर कर लेता है। खैर, अब नेक्स्ट डे ये सब वहाँ से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन बाहर बहुत सारे हंगरी जाकर खड़े हो गए थे, जो कि पिछले दिन की गोलीबारी के कारण हुआ होगा। बट मेलोनी एक चीज कहती है कि वो इनके लिए इन सभी को वहाँ से भगा सकती है, क्योंकि वो हंगरी के बीच में से आसानी से गुजर सकती थी अगर वो उसको अपने जैसा ही समझते थे। मेलोनी अब नए कपड़े पहनती है और बाहर चली जाती है, जहाँ वो सबसे पहले एक बिल्ली को मार के खा जाती है, जिससे उसको काफी ज्यादा एनर्जी मिलती है, और उसके बाद वो अलग अलग घर में जाती है, जहाँ पर वो चीजों को देखकर काफी खुश होती है, जस्ट लाइक दोस पीपल जो पहली बार हाईटेक चीजें देखते हैं। अब वो बचपन से ही आर्मी बेस में पली बड़ी थी, तो इन सब चीजों को देखकर आश्चर्यचकित हो रही थी कि वैन जूली उसको एक घर में डॉग मिलता है, जिसको लेकर वो इन हंगरी के सामने छोड़ देती है, और सभी हंगरी रूम दोनों को खाने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। इनके लिए एरिया क्लियर हो जाता है। सब लोग मेलनी को इस चीज के लिए शाबाशी देते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब ये सब जगह से बाहर निकल जाते हैं और वो एक कैट के पोस्टर के सामने आते हैं, जिसको मेलनी बेकन लगती है, जिससे हेलन उसको ये पूछती है कि क्या उसको एक कैट चाहिए, जिस पर वो ये बोलती है कि वो ऑलरेडी एक खा चुकी है। हेलन तो ये सब पेट की बात कर रही थी, बट मेलनी का तो सोया भी अलग था। अब जैसे जैसे ये सब लंदन के अंदर आगे बढ़ते हैं, उनको एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर कई सारे इन्फेक्ट के लोग, यानी कि हंगरी, डीकम्पोज हो चुके थे और एक कई लोग फंगस उनके अंदर सैग्रो हो गई थी, जिसने एक टावर को अच्छे से कवर कर लिया था। अब इशू ये था कि इसके अंदर कुछ पार्ट थे मिनी काइंड ऑफ फ्रूट्स, जिनके अंदर स्पोर्ट्स थे, और अगर ये फट जाते तो बची कुछ इंसानियत भी आसानी से खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर ये इन्फेक्शन बस काट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो हवा में भी फैल जाएगा, जिससे बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन होगा। बट डॉक्टर के रहमान को ये कहना था कि ये नॉर्मली नहीं फट सकते, लेकिन जैसे ही गर्मी या फिर ह्यूमिडिटी होगी तो ये एकदम से फट जाएंगे। खराब उनको एक सोलर पावर मिलिट्री मोबाइल लाइन मिलती है, जो कि अभी भी काम कर रही थी, जिसका प्रीव्यू गायब था। मिनीगन वो भी हंगरी में तब्दील हो चुके थे। यह हमको ये भी पता चलता है कि रोला इनके हाथ में जो कट लगा था उससे उसको ब्लड पॉइजनिंग हो गई थी, जिससे वो जल्दी ही मर जाएगी। किरण बाहर खाने की तलाश में निकल जाते हैं। मेलनी को भी भूख लगने लगती है, जिसके चलते वो भी बाहर जाती है। बिगत उसको डरता था कि वो भी सभी को खा जाएगी। घर मेलनी अपनी भूख को एक पक्षी को खाकर मिटाती है और फिर उसको एक ग्रुप ऑफ सेकंड जनरेशन हंगरी सैदी खाई देते हैं, लेकिन वो जंगली थी क्योंकि उनको कोई भी ट्रेनिंग नहीं मिली थी। मेलनी भागकर मोबाइल में आती है और सबको ये बताती है कि किरण की जान खतरे में है।